मेरे पूरे मत पिंडर यह भी तुसा पढ़िया होगा कि ऐसे श्रोमणी कमेटी में अपील की पिंडर वाले मंजी साहब दीवान हाल विखे ना बोलन दिता जाए पर मेरे मन में इन गलों का जुला कोई नहीं। कोई हिंदुस्तान का कोई विदेश बैठा सिख यह साबित करे कि उन्नीस महीनों में मैं किसी भी अकाली लीडर के या अकाली वर्कर के विरुद्ध कोई खबर दी किसी अखबार में मैं सिखा का देणदार होवगा तो सजा भुगतांगा। पर जे इन्हों काम करने वाले का अकाली दल वालों बाइकाट है तो तुम विदेशों में बैठे सिख दसो फिर उन्होंने प्यार कि हिंदू कोई किसी हिंदू का बाइकाट कर बाइकाट नहीं कर रहा। सिख श्रोमणी अकाली दल के रूप में बैठे सिखा का ही बाइकाट करी जाए मैं विदेशों में बैठे सिख दसो कि तुम किस तरीके कह सकते हो कि असं आजाद हाँ तो साढ़ा फिर प्यार कि मैं बहरले सिखा तो बेनती रूप में उत्तर पूछदा जो कोई दे सकता तो प्रेमी दे दौ योजा मेरा प्रचार है। बाकी प्राते गंडा तुम सुन रहे हैं कि कांग्रेस में रल गया तो ये संबंध मैं पूछ लेना सिखा तो कि इस एजुटेशन इस कांग्रेस के राज दास के लसेंस सारे कैंसल हुए है तो श्रोमणी अकाली दल के सकत्र गुरचरण सिंह लसेंस बने हैं। फैसला संगत ने करना मैं किसी को कांग्रेस नहीं कहना ना मैं अज तक किसी अकाली ने कहा मेरे लसेंस सारे रद्द हुए है तो उमरा नंगल जो है वो लसेंस वही कारबैन का लसेंस इस राज बने ये संगत थोड़े फैसला कर लो। सो मेरी गिरफ्तारी होनी सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दी पोथियां का अगन भेट होना दोवें बसा सड़नियाँ अठारह सिंह का शहीद होना सिखां दे कुट पैणी घरां अग लगनियाँ विद्यार्थियों पुठे लटकाया जाना इन्ना कांड होने के बावजूद भी सानू शर्म ना आई साडे लोगों नू जेडे लोग कहिंदे कि कांग्रसी है ते तुहाडे कोलों मैं बड़े प्यार नाल पुछदा कि छत्ती दे छत्ती एमएलए अपने दरबारे दे घर रोटी खा के नहीं आए चंडीगढ़ों ते तुसीं इत्थों दी संगत इन्हां नू चिट्ठियों द्वारा पुछ लो जां सदके पुछ लो ते दिन मैं दस दिन जिस दिन आए जिस दिन ज्ञानी जैल सिंह नू राष्ट्रपति दीआं वोटां पाईआं उस दिन एक भी साडा भरा दसे जेड़ा दरबारे मुख्यमंत्री के घर रोटी खा के नहीं है कि वह श्री गुरु ग्रंथ साहब का कातल नहीं जे भरा कहें भी असं नहीं खाधी तो इन्होंने पूछ के दसो भी कि नहीं खाधी तो आप फैसला करके तुम दसना। एस एस पी बैंस जो इस वे संगरूर लगा हुआ है जो कुलवंत सिंह नागोकियावाल का पक्का कातल है जिन्हें सिखा लोहे कुलवंत सिंह के पेट में निकलिया मत्था साड़िया उंगला एक एक पोटा करके तोड़िया सज्जी लत तोड़ी कुलवंत सिंह का संस्कार मैं अपने हथियार करवाया नागोकियावाल का टौड़ा भी नाल सद मेरे उन्होंने पूछ लो भी ऐसी हालत सी कि नहीं। उस कुलवंत सिंह नागोकियावाल का कातल इस संघर्ष के गुमज समुद्री हाल में बैठ के डिक्टेटर के भाव चाह पी के नहीं गया कि जिस हरबंस लाल खन्ने ने यह गल् कही कि दुखी तिखी खह नहीं देनी सिर पर पगड़ी रह नहीं देनी कच कड़ा कृपान इन भेजो पाकिस्तान उस मनुख के नाल साहब श्री गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह के अवतार पुरब से इस जोड़ मेले में अमृतसर के जोड़ा घर को खड़ो के पालकी के अगे वे जफ्फी पा के फोटो नहीं लवाई तो हम संगत फैसला करे कि मैं की हाँ मैं किसी अकाली भरा नहीं कहना भी यह कांग्रसी है ज कौन का फैसला संगत करे तो करतूत मैं अपनी भी दस दिती करतूत इन्हों भी दस दिती है ये जो रत्ती मात्र भी फर्क हो मैं अपना सिर वट के थोड़े पेश कर देंगा कि मेरिया बसा सड़न मैं तो भी कांग्रसी लसेंस मेरे कैंसल होने मैं तो भी कांग्रसी नाल के सिंह शहीद हो जाए मैं तो भी कांग्रसी कि जे सिंह से कुट पड़न तो भी कांग्रसी जे सिंह का इतना नुकसान हो विद्यार्थी मेरे नाल पुठे फड़ के लटकाए जा मैं तो भी कांग्रसी इन्हों के लसेंस बन तो भी अकाली इन्हें को कातल चाहा पीण तो भी अकाली ये कातलों जफ्फिया पाउण तो भी अकाली ये सारे के सारे कांग्रसियों के घर रोटी खा लैन तो भी अकाली तो मैं अकाल तख्त साहब से बैठ के इंटरव्यू दे रहा भर रहे हैं। सो मैं पर निश्चय नाल कहण नूं तैयार है कि अठां सालां विच अठवां साल मैनूं है दस्तारबंदी होई नूं अठां सालां विच किसे कांग्रसी एम एल ए दे घरों किसे अकाली एम एल ए दे घरों किसे कामरेड एम एल ए दे घरों किसे सोशलिस्ट एम एल ए दे घरों दास नूं किसे ने फिके पाणी दी इक घुट इक पींदिया होया मैनूं किसे ने वेख्या जां फड़िया ते मैं अपने सिर वड़ाउण नूं तैयार हां। हाँ जनता दे घरों चाहे कोई कांग्रसी है चाहे अकाली है वह मैं लंगर छकदा क्योंकि मेरे को जेड़ा आया मैं उन्होंने अमृत छकाना तो गुरु के लड़ लाना यह मेरा काम है। सो यदा फैसला संगत गुरु की आप करो बाकी
जो हो गुलामी दी निशानियां भाई जंगीर सिंह पिता का नाम तारा सिंह पिंड इटांवाली दास नाल संबंधित से उन्हू पकड़िया गया ना तो घरों को कोई कारतूस मिले ना कोई राइफल ना कोई बंदा फड़िया गया केवल ये शक च फड़िया कि पिंडां वाले का बंदा है ओदा पट चीर के लून नाल भरिया गया उपर पट्टी बदी गई कि हिंदुस्तान के किसी हिंदू की बदी है तो कोई दसे ये गुलामी की निशानी है। सो भाई जसवीर सिंह पिंड चुप के थे तहसील मोगा जिला फरीदकोट उन्होंने ग्रंथी है तो गरीब सिखा के घर जमे जथे चो पढ़िया उन्होंने पकड़िया गया उन्होंने कहा गया कि तेरे को अतवादी आते क्या मेरे को है तो कोई फड़ लवो कोई बंदा वो को नहीं फड़िया गया और मूँह नाम है श्याम सुंदर हिंदू का छिपाही है और बाकी पुलिस वाले हिंदू नाल लैके और मूँह च तंबाकू भोरिया और मूँह च थुकया तो कृपान लाई गई। ये गुलामी दी प्रतख निशानियां कि किसी हिंदुस्तान के एक भी हिंदू के मूँह में गऊ का हड कद 36 साल सिख ने दिता एदों वड्डी दुर्दशा की होगी तो जो हुण हो रहा है 8 तारीख पंथ वालों जो प्रोग्राम दिता गया से किसी थान पर कोई घटना नहीं वापरी शांति दे नाल अंदोलन समाप्त होया जो बंद दा सी। 14 तारीख नूं पवन कुमार के संबंध में हिंदू सुरक्षा समिति ने बंद की कॉल दिती जिसके संबंध में साहिब श्री गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह की फोटो वड्डी गई हरिमंदर साहब का मॉडल जो बना के रेलवे स्टेशन पर लाया से वो तोड़िया गया सिखां दीआं दुकानां साड़ियां गईआं। 14 तो लैके अज की तरीक अशंक ने तो 22 अज 22 तारीख तक हरियाणे दे विच जो दुर्दशा सिखां दी होई है वो तुहानू तां दूर बैठा सिखां नू घट पता है ते मेरे कोल इत्थे सिख पहुंचे है एक दो ने तुहानू मैं नाम ही देवांगा भाई बख्शीश सिंह पिंड मुरादपुरा सर्कल तरन तारन श्रोमणी अकाली दल का प्रचारक सकत्तर आ मेरे कोल बजुर्ग बैठे है इन्हां दी उम्र दा ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁਰਾਦਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਸਰਕਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਧੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਤੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ। ਕੈਂਥਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ 22 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ 21 ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਮਾਧ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 19 ਜਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਂਥਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀ ਕਬੂਲ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਵਜਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਣੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ
जे मेरे मुँहों मैनू पूछना चाहोगे तो मैं तो यही कहाँगा हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई मेरे वर्गा तो लुच्चा तो भैड़ा कोई नहीं तुहाडे गुरु की संगत वर्गा कोई चंगा नहीं पर यहाँ निर्णय ये तुसा करना आप भी मैं कही है मैं तो एक पंच तत्वों का मिट्टी का भरया होया गंदगी का भरया कपूत ने पर एक गल जरूर बारे सिखा को पूछागा कि किसी भी अखबार में विदेशों में बैठे किसी भी सिख ने मर्द ने बीबिया ने बच्चों ने कदे किसी अखबार से पढ़िया कि मैं शहीदी फंड कोई खोलिया कोई सबूत है तो दो श्रोमणी अकाली दल के नाम से फोटो अखबार छप के आदियाँ शहीदी फंड दियाँ श्रोमणी अकाली दल के नाम से छप के आदियाँ शहीदी फंड दियाँ बाकी अखंड कीर्तनी जत्थे वालों भी शहीदी फंड खोले है कोई हिंदुस्तान का तो विदेश बैठा सिख दसी ने मेरे नाते शहीदी फंड खुला देखिया 300 सिंघां ते मुकदमे चलते हैं तो 2.5 किले जमीन के दास को भी कवर पुट के सिंघां ने बनाए गंढे गुंडे ला लेंगे है 2 महीने च ने गंढे संगत लग जाते मिट्टी ना खर्च 300 सिंघां उत्ते मुकदमे 300 मुकदमे नहीं 300 सिंघां उत्ते ते एक मुकदमे कई प्रेमियां 3, 5, 7, 7, 12, 13, 13 ताम सिंघां ते है इन्ने मुकदमे 25 सिंघां दे मुकदमे लड़दे श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी सिद्ध कर दिओ ते मैं बाहर विदेशों में बैठे सिखां दा देणदार होवांगा 275 सिंघां दे मुकदमे दसो कौन लड़दा ये मैं नहीं कहिंदा मैं लड़दा ये तो गुरु जाने ते जां जिन्हां दे मुकदमे लड़े जा रहे उन्हां नूं पुछ लिओ बाकी मेरे कोलों विदेश में बैठे कई सिखां ने पुछिया कई वेरां एक दो ने नहीं सैकड़े सिखां दीआं मिसालां मेरे कोल कि संत जी जे असीं शहीदां दी सेवा करनी हो शहीदां दे परिवारां दी किवें करिए ये भाई तुहाडा अपना फर्ज है मेरा नहीं राह तैनूं दस दिंदा जिहड़ा चंगा लगा वह मंजूर कर लिओ सब तो पहला राह तां शहीदां दी सेवा करन दा इह है कि जे संगत बाहरले देशां दी माया इकट्ठी करे वह करके ते तुसीं आप लैके आवो मैं इत्थों इक कार ते इक अपना ड्राइवर वह तुहानूं दे देंगा शहीदां दे घरां विच तुहानूं आप लैके जाएगा जिन्हां जिन्हां तुसीं खर्चा उन्हां नूं देना चाहोगे वह आप दे लिओ सब तो पहला राह तां इह है दूजा जे ये नहीं कर सकते तो शहीदों के सिर ना भी मैं सारे दे सकता किसी तो रोह ना तीजा राह है जे जथे तो यकीन हो जथे भेजना चाहोगे अपनी मर्जी ने मेरे वालों मंग कोई नहीं थोड़े को माया दी आप भेजना चाहोगे भेज दो नहीं भेजना चाहोगे तो मंग कोई नहीं मंगता मैं केवल हाँ तो केवल गुरु ग्रंथ साहब का तो समुचे तौर पर संगत तो संगत मंगता हाँ पर जे कोई अमीर तो धनी कोई रजवाड़ा कहे कि तू एक बार मैंने सलूट मार दे तेन 1,00,000 रुपया दे देंगे जुत्ती तो चढ़वा लाँगा सलूट नहीं मारागा संगत रूप में आप सिर भी संगत से जोड़िया पर रख देंगे ये जरूर बेनती करा कृपान कैंची तो पछने का जोड़ा अंतर है यह सिखों अपने दिलों में वसा चाहिए तो जोड़ा प्रापेगंडा सरकार वालों किया जा रहा है कि सिख हिंदुओं का एक अंग है मैं बिल्कुल ये उल्ट है चाहे कोई सिख मेरा नाराजी रहे चाहे गुस्से रहे मुढ़ सिख है बाकी टहनी टहनी